आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इन दिस क्वेश्चन कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कंप्लीशन करना फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना होगा ऑप्शन में क्या क्या गिवन है एनी फोर्स दैट प्रोवाइड्स रेडियल इनवर्ड एक्सेलरेशन टू ए बॉडी इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड डैश 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 फोर्स तो हमें यहाँ पे फिल इन द फिल करना था इस डैश डैश की जगह पे

हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स यह हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कोई भी बॉडी क्या करती है अगर सर्कुलर मोशन करती है तो सर्कल जिस जो सर्कल बन रहा होगा उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारा क्या था सेंट्रीपिटल फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक सेंटर की तरफ या फिर उसको कह सकते हैं सेंटर मतलब रेडियली इनवर्ड तो अभी डायग्राम से इसको देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक आता है ठीक तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमें एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मिलता है उस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वजह से बॉडी हमारा सर्कुलर मोशन करती है यहाँ पे अगर कहो हम मान लेते हैं हमने मान लिया कि हमारे पास कोई बॉडी इस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है किसी मोमेंट में बॉडी यहाँ पे थी ठीक और उसकी जो स्पीड है क्या है यहाँ पे देखो स्पीड हमारा ऑलवेज होती है टेंजेंशियल टू दिस सर्कुलर पाथ ठीक तो किसी भी मोमेंट पे यहाँ पे पे अगर किसी भी पॉइंट अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको स्पीड की डायरेक्शन मिल जाएगी अब देखो इस सर्कुलर पाथ का यहाँ पे हमारे पास सेंटर होगा ओ पॉइंट ठीक अब यहाँ पे देखो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो हमने क्या कहा कि ये देखो ये रेडियली इनवर्ड मतलब क्या होता है हमारा रेडियस हो जाएगा अलॉन्ग द रेडियस एक फोर्स लगता है दैट फोर्स इज कॉल्ड द रेडियली इनवर्ड फोर्स और उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स तो देखो इस रेडियस के अलांग इस रेडियस के अलांग एक फोर्स लगता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा इसके सेंटर की तरफ होता है दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स ठीक एक कौन सा फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी हमारा सर्कुलर मोशन करती है किसी मोमेंट मोमेंटिव बॉडी यहाँ पे पहुंच जाएगी उसकी जो स्पीड होगी क्या होगी हमने क्या कहा टेंजेंट खींचोगे तो इस सर्कुलर पाथ पे आपको स्पीड की डायरेक्शन मिल जाएगी बट जो भी हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा हमेशा रेडियली इनवर्ड इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगेगा ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया किसी मोमेंट मोमेंटि बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी उसकी स्पीड

तो यहाँ से हमने देखा कि किसकी वजह से आएगा इस फोर्स की वजह से एक सेंटिपिटल एक्सिलरेशन आएगा और इसकी भी डायरेक्शन हमेशा इसकी सेंटर की तरफ लगेगी सर्कुलर जो हमारे पास बात था उसके सेंटर की तरफ ए तो किसी भी मोमेंट में देखो तो सेंटिपिटल एक्सिलेशन क्या होगा ए ऑलवेज एक्ट्स एक्ट इनवर्ड टूअर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ तो से देखो कि हमारे पास देखो हमेशा जो सेंटीप्रटल वो भी हमारा इसी सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होगा तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा एनी फोर्स दैट प्रोवाइड्स रेडियल इनवर्ड एक्सिलेशन रेडियल इनवर्ड एक्सेलेन का मतलब जो भी एक्सिलेशन होगा अलॉन्ग द रेडियस लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी

अब यहाँ पे देखो अगर सेंटीपीटल फोर्स इतना है तो अगर आप कैलकुलेट करो सेंटर एक्सलरेशन ये तो हमारा फोर्स आ गया तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है मास इनटू एक्सलेशन कौन सा एक्सिलेशन सेंटीपीटल एक्सलरेशन उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास एम वी स्क्वायर डिवाइडेड आर क्योंकि हमें पता है है फोर्स इक्वल्स टू क्या होता मास अब यहाँ से सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ए मास से मास हमारा कैंसिल हो जाएगा तो सेंटीपीटल एक्सलेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी ऑलवेज रेडियली इनवर्ड्स ये हमारा जो सेंटीपीटल एक्सलेशन होगा ऑलवेज रेडियली इनवर्ड्स एक्ट करेगा थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड कर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर